वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम बेटा, एंड डूइंग योर वर्क प्रॉपरली एंड रेगुलरली ऑन टाइम. एज यू नो बेटा, येस्टरडे वी हैव कम्प्लीटेड अवर लेसन नंबर 1. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेसन नंबर 2, विच इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ प्लांट. सो बेटा, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव टॉक्ड अबाउट द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, राइट? But in this lesson, we will talk about the structure and function of a plant. And we all know that plant is a living thing, right? आप सभी को पता है ना, plant एक living thing है. Plant breathe भी करते हैं बेटा, right? Plant prepare their food also. And some plants like touch me not show movement also, right? सो बेटा, वी हैव सीन डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. हमें बहुत अलग अलग तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं. कई बहुत बड़े होते हैं, कई बहुत छोटे होते हैं, कुछ के अंदर कांटे होते हैं, कुछ के अंदर फ्लावर्स होते हैं, कुछ प्लांट्स हमें फ्रूट देते हैं, राइट? और कुछ प्लांट्स की हम लीफ भी खाते हैं, राइट? सो बेटा, वी हैव सीन मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, राइट? सो बेटा, प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग, वी ऑल नो. एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड फॉर द रिपेयरिंग ऑफ द टोन आउट सेल्स, राइट? सो बेटा, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. सो बेटा, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ प्लांट, राइट? सो बेटा, द पोर्शन दैट इज बिलो द सॉइल इज कॉल्ड द रूट सिस्टम. क्या बोलते हैं हम उसको? रूट सिस्टम, राइट? एंड द प्लांट अबव द सॉइल, मतलब जो पार्ट ऑफ प्लांट सॉइल से ऊपर उगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम. क्या बोलते हैं बेटा? शूट सिस्टम. इन सब का एक अपना अलग फंक्शन होता है बेटा. सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर बेटा, दिस पार्ट दैट इज प्रेजेंट बिलो द सॉइल, मतलब सॉइल के अंदर जो पार्ट है वो हमारा क्या है? रूट्स, राइट? एंड बेटा, दिस इज द स्टेम, दिस आर द फ्रूट, दिस द फ्लावर एंड द लीफ. एंड बेटा, इसके अलावा जब फ्लावर उगने से पहले एक कली आती है, उसको हम बोलते हैं बड, ठीक है? सो दीज आर द पार्ट ऑफ द प्लांट. सो बेटा, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रूट सिस्टम. सो बेटा, रूट इज अ वेरी मेन पार्ट ऑफ अ प्लांट. बहुत मेन पार्ट है. बिकॉज कोई बता सकता है क्यों? सोचो. क्योंकि जो रूट है बेटा, वही तो प्लांट को सॉइल से जोड़ के रखता है और उसको सीधा खड़े रहने में हेल्प करता है, राइट? सो द पार्ट रूट ऑफ अ प्लांट इज वेरी मेन पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट? एंड रूट आर ऑफ बेटा टू टाइप, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. टू टाइप, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टैप रूट. सो बेटा, the tap root is the single main root that grow downward from the base of the stem. मतलब जो stem है उसके base से नीचे की तरफ उगेगी, ये हमारी tap root होती है. tap root के ऊपर, जैसे आप इस picture में देख पा रहे हैं, बहुत छोटी छोटी main roots होती हैं जो अलग अलग directions में जाती हैं. इसका example क्या होगा? pea, bean, gram, turnip, radish and carrot. ठीक है, आप सर्दियों में गाजर लाते होगे घर पे, है ना? तो अगर आप गाजर पे देखते होगे, तो गाजर के साइड में ऐसे छोटे छोटे हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट? सो दैट इज अ टैप रूट. एंड द हेयरी स्ट्रक्चर इज द रूट हेयर, और वी कैन से द स्मॉल रूट्स दैट ग्रो ऑन इट. नेक्स्ट बेटा, फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट में क्या होता है बेटा? एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द फाइब्रस रूट. ये आप घर में अगर आपके घास उगी हुई है तो आप उसको उखाड़ के देख सकते हो. ये बेटा जैसे आपके हेयर होते हैं ना, वैसे होते हैं, बिल्कुल पतले पतले, ठीक है? थ्रेड लाइक रूट्स भी बोलते हैं हम इनको. और ये भी डाउनवर्ड ही ग्रो करते हैं स्टेम से, ठीक है? और जैसे कि ग्रास है, ऑनियन है, मेज है, राइस है, वीट है, इन सब की फाइब्रस रूट होती है. ओके बेटा, सो टुडे वी विल टॉक ओनली अबाउट दिस. वट यू हैव टू डू बेटा, रीड पेज नंबर 12 एंड पेज नंबर 13. एंड वट यू विल डू बेटा, आज आप अपने घर के आसपास अगर कहीं पे घास उगी हुई है तो आप उसको उखाड़ के देखोगे और नोटिस करोगे कि वो फाइब्रस रूट है या टैप रूट है. ओके,
एंड रेस्ट वी विल रीड टुमोरो. ओके बेटा, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज डू योर वर्क ऑन टाइम.